सो है गैस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। स्वागत है और एक न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले फेसबुक में आप लोग अपना पासवर्ड को कैसे चेंज कर सकते हैं। जो फेसबुक आईडी होता है उस आईडी का आप लोग पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं, आप लोग कैसे चेंज करेंगे। तो सिंपली से आप लोग अपना फेसबुक का पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली से आप लोग अपना फेसबुक ओपन कर लीजिएगा। आप लोग का अपना फेसबुक में ही आप लोग का पासवर्ड चेंज हो जाएगा। तो सिंपली से आप लोग अपना फेसबुक ओपन कर लीजिएगा। तो अपना फेसबुक यहाँ पर ओपन कर लीजिएगा अपना फोन में। उसके बाद में आप लोग अपना पासवर्ड को चेंज करना चाहते हैं। जो फेसबुक कोई भी आईडी हो उस आईडी का आप लोग पासवर्ड भूल गए हैं या याद भी है तो कुछ भी याद भी है तो भी चेंज कर सकते हैं, या भूल गए हैं तो भी चेंज कर सकते हैं। तो सिंपली से आप लोग को पासवर्ड चेंज करने के लिए आप लोग को यहाँ पर फेसबुक के ऊपर में यहाँ पर देखने को मिल यहाँ पर 3 लाइन देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली से आप लोग 3 लाइन पर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ 3 लाइन पर क्लिक कर देने के बाद में आप लोग को यहाँ पर नीचे पे देखने को मिल जाएगा सेटिंग एंड प्राइवेसी। तो सिंपली से आप लोग सेटिंग एंड प्राइवेसी पर क्लिक कर दीजिएगा। प्राइवेसी पर सेटिंग एंड प्राइवेसी पर क्लिक कर देने के बाद आप लोग को यहाँ पर छोटा सा यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली से हम लोग यहाँ पर सेटिंग्स पर क्लिक कर लीजिएगा। सेटिंग्स पर क्लिक कर दीजिएगा। सेटिंग्स पर क्लिक कर देने के बाद में आप लोग को यहाँ पर अकाउंट सेंटर आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं अकाउंट सेंटर देख सकते हैं। उसके बाद में सी मोर इन अकाउंट सेंटर, तो आप लोग यहाँ से अकाउंट सेंटर सी मोर अकाउंट सेंटर आप लोग यहाँ से यहाँ नीचे पे तो कहीं पे भी आप लोग टाइप कीजिएगा तो आप लोग को सेटिंग खुल जाएगा। कुछ इस टाइप से सेटिंग खुल जाएगा। तो आप लोग कुछ इस टाइप से सेटिंग यहाँ पर सेंटर को क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक कर देने के बाद आप लोग को कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग को कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल जाएगा पासपोर्ट एंड सिक्योरिटी। तो सिंपली से आप लोग पासपोर्ट एंड सिक्योरिटी पर क्लिक कर लीजिएगा। तो हम लोग बैक कर लेते हैं। यहाँ पर पासपोर्ट और सिक्योरिटी पर आप लोग सिंपली से क्लिक कर लीजिए। क्लिक कर देने के बाद में आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा यहाँ पर चेंज पासवर्ड देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली से आप लोग चेंज पासवर्ड पर क्लिक कर दीजिए। चेंज पासवर्ड पर क्लिक कर देने के बाद में आप लोग को अपना फेसबुक अकाउंट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जो आप लोग का प्रोफाइल रहेगा। तो आप लोग जो भी अकाउंट का पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं वो अकाउंट को यहाँ पर सिंपली से सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम लोग को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद में आप लोग यहाँ पर जो पासवर्ड आप लोग को जब पहले पासवर्ड था वो पासवर्ड आप लोग को याद है तो ही आप लोग यहाँ पर न्यू पासवर्ड बना सकते हैं, न्यू पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद में आप लोग को न्यू पासवर्ड बनाना है और आप लोग को पुराना पासवर्ड पता नहीं है तो आप लोग सिंपली से यहाँ पर देख सकते हैं फॉरगेट योर पासवर्ड पर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर आप लोग को फॉरगेट योर पासवर्ड नीचे पे दिख जाएगा तो वहाँ पर आप लोग सिंपली से क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद में क्लिक कर देने के बाद में आप लोग को यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में आप लोग को यहाँ पर कुछ आप लोग को ओटीपी मिलेगा, ओटीपी डालना पड़ेगा। तो आप लोग ओटीपी कहाँ पर लेना चाहते हैं, जो फेसबुक नोटिफिकेशन में व्हाट्सएप में लेना चाहते हैं या एंड कोड व्यू ईमेल पर लेना चाहते हैं या एसएमएस पे लेना चाहते हैं, जो भी मैं लेना चाहते हूँ वो आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम लोग यहाँ पर सेंड लोग व्हाट्सएप में लेना चाहते हैं इसलिए यहाँ पर व्हाट्सएप यहाँ पर टिक चिन्ह है। तो यहाँ पर आप लोग एसएमएस में लेना चाहते हैं तो एसएमएस कर दीजिएगा। तो हम लोग सिंपली से व्हाट्सएप में ओटीपी देखना चाहते हैं जिसे हम लोग यहाँ पर डालेंगे तो ओटीपी डालेंगे। उसके बाद में हम लोग का पासवर्ड न्यू जनरेट करने के लिए मिल जाएगा। हम लोग सिंपली से व्हाट्सएप वाला को यहाँ पर चूज कर देंगे। चूज कर देने के बाद में यहाँ पर सिंपली से हम लोग कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद में कुछ लोडिंग लेके कुछ इस टाइप से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो हम लोग को अभी नोटिफिकेशन मिलेगा ऊपर में, तो हम लोग नोटिफिकेशन मिलेगा सिंपली से यहाँ पर देख सकते हैं। व्हाट्सएप में यहाँ पर फेसबुक से नोटिफिकेशन आ चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं फेसबुक पासवर्ड रिसेट करने का कोड मिल चुका है। हम लोग अपना कोड को देख चुके हैं और कोड देखने के बाद में हम लोग सिंपली से यहाँ पर आ जाएंगे। जो हम लोग को कोड मिल चुका है उसके बाद में हम लोग यहाँ पर कोड को डाल देंगे। अपना वो कोड को हम लोग देख लिए हैं तो यहाँ पर हम लोग को कोड देखने को फिर से मिल जा रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फेसबुक पासपोर्ट रिसेट कोड, तो यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है। यहाँ से हम लोग सिंपली से कोड को देख देख के यहाँ पर डाल देंगे। जो भी हम लोग का कोड है वो कोड को हम लोग यहाँ पर डाल देंगे। डाल देने के बाद में सिंपली से यहाँ पर कंटिन्यू कर देंगे। जो व्हाट्सएप में हम लोग का कोड गिरा था उस कोड को यहाँ पर डाल के सिंपली से हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू कर देने के बाद में आप लोग को यहाँ पर पासवर्ड जनरेट करने के लिए मिल जा रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्रिएट अ न्यू पासवर्ड, तो हम लोग यहाँ पर क्रिएट अ न्यू पासवर्ड। उसके बाद में यहाँ पर इंटर अ न्यू पासवर्ड, तो हम लोग यहाँ पर इंटर कर देंगे। जो भी हम लोग का न्यू पासवर्ड बनाना चाहते हैं वो पासवर्ड यहाँ पर इंटर कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पर 6 तक यहाँ पर पासवर्ड डाल देते हैं। पासवर्ड डाल देने के बाद में सिंपली से यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे। गाइस हम लोग पासवर्ड डाल दिए हैं। पासवर्ड डाल देने के बाद में हम लोग का न्यू पासवर्ड यहाँ पर जनरेट होके रेडी होके हम लोग का न्यू पासवर्ड यहाँ पर फेसबुक में लग गया है। तो हम लोग अपना न्यू पासवर्ड से फिर से आप लोग फेसबुक को न्यू पासवर्ड से ही हम लोग अपना लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को न्यू पासवर्ड जनरेट होके रेडी हो गया है। तो यहाँ पर आप लोग भी कैसे न्यू पासवर्ड जनरेट करना है आप लोग को अभी पता हो गया है। तो आप लोग का पुराना पासवर्ड है या याद है या भूल गए हैं कोई इससे दिक्कत नहीं है, सिंपली से न्यू पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतने गए, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा टेक केयर। वीडियो चला तो वीडियो को लाइक करें, लगे हाथ से चैनल को भी सब्सक्राइब करें।